सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज जो हम क्लास का शुभारंभ करने वाले हैं, वात पित्त कफ का एक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम चर्चा करना है। और विगत दिनों भी हमने वात पित्त कफ क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया था। बस उसी विषय को थोड़ा और विस्तारीकरण देते हैं और कंपेरेटिव स्टडी की ओर बढ़ते हैं। तो साथ में हम आपके जो सवाल होंगे उनके उत्तर भी उसमें देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने पिछले समय भी वादा किया था कि हम थोड़ा सा सुन करके पढ़ कर आएंगे, तो ताकि हम कंपेरेटिव स्टडी के लिए सवाल की बोछार कर सकें। बोछार क्या पता ये शब्द ठीक है कि नहीं, अभी वो तो पता पड़ेगा, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो आज हम कंपेरेटिव स्टडी के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी शुरू करते हैं। वात, वात का एक बार पुनरा अवलोकन करके देखते हैं, पुनरा अवलोकन, और उससे हमें जानकारी मिल सकेगी कि वात क्या होता है। वात में हमने जाना कि एक ऐसा व्यक्ति, शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दुबला पतला व्यक्ति है, क्षीण व्यक्ति है, उसकी धातुओं में क्षीणता पाई जा सकती है और होंठ फटते हैं, है ना, इस तरह के लक्षण उसके दिखने के लगते हैं। और स्किन में ड्राइनेस दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं दिखाई देती है, स्किन में चमक भी नहीं बहुत ज़्यादा होती है और साधारण स्किन रहती है, उसमें खुश्की देखती है, बालों में भी झड़ने का क्रम देख सकते हैं आप और खुश्की भी नज़र आ सकती है। ऐसे ही शरीर में आप स्किन को देखेंगे तो जहाँ जहाँ देखेंगे वात प्रकृति के व्यक्ति को, दूर से देखने पर आपको पता लगेगा कि वो उसकी स्किन में ड्राइनेस है ज़्यादातर, पैरों में विवाही फटना, ये सब वात के लक्षण हैं, और शरीर में कहीं भी दर्द होना, ये भी वात के लक्षण हैं, शरीर को अकड़न जकड़न होना, ये भी वात के लक्षण हैं, इसके बाद में टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये भी वात की वृद्धि के लक्षण हैं, बॉडी का डिसलाइन होना, ये भी वात के लक्षण हैं। और मानसिक रोगों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले या अत्यधिक विचारों में खोए रहने वाले या ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बात करने वाले या जरूरत से ज़्यादा तेज गति से चलने वाले, है ना, पैदल भी चलेंगे तो वो तेज गति से चलते हैं, ऐसे वात के लक्षण वाले लोग होते हैं। साथ ही देखने को मिलेगा कि आपको उनको वात का गुण क्या है, ठंडा है, शीतल है, तो सर्दी में ज़्यादा उनको परेशानी होती है, गर्मी में भी होती है, लेकिन हाँ शारीरिक क्षमता जो है उनमें कम रहती है, तो सर्दी और गर्मी दोनों ही ज़्यादा सताती है, ऐसे लोग वात के लक्षणों वाले हो सकते हैं। और साथ ही इस टाइप के लोग हो सकते हैं जिनको मतलब सर्टेनिटी उनके जीवन में कुछ नहीं है, भूख लगी है तो अभी दो दिन तीन दिन बहुत जम के भूख लगी, फिर तीन चार दिन बिल्कुल गायब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बहुत ज़ोरदार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार तो उंगली डाल के बाहर निकालना पड़े ऐसी कंडीशन आ जाए। बॉडी में कोई भी अंग का श्रिंक होना भी पाया जा सकता है, और साथ में कभी दस्त लगते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, और अनियमितता बनी रहती शरीर में, खान पान की भी कभी भूख लगती तो बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती तो बिल्कुल नहीं लगती, तो अनियमितता उनके लक्षणों में पाई जा सकती है। अनियमित आहार भी, रात्रि को देर तक जगना, रात्रि को देर तक नींद ना आना, ये सारे जो क्रम वात प्रकृति के लक्षण हो सकते हैं। साथ में और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो स्किन में ड्राइनेस का हम चर्चा कर चुके हैं, बालों का झड़ना भी हो सकता है, और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो मासिक धर्म के बारे में इंगित करती हैं, मासिक धर्म का डिले होना भी वात के लक्षण हो सकता है,
या कोई ब्लॉकेज कप की वजह से भी हो सकता है। तो और इस तरह से वात के लक्षणों में देखेंगे और मासिक धर्म के दृष्टिकोण से, और यदि समय से पहले आ रहा है तो आप इसको पित्त के लक्षण मान सकते हैं, पित्त वृद्धि के, एसिडिक वृद्धि शरीर में हो गई। तो ऐसी महिलाएं जो हैं जिनको एसिडिटी वगैरह ज्यादा रहती है शरीर में कहीं जलन वगैरह हो तो इस टाइप के लक्षण स्किन पर देखने को मिल सकते हैं। स्किन पर छोटी छोटी बुंसियां हो सकती है, उन्हें पानी देखने को मिल सकता है, उन पानी से निकला हुआ जो स्राव है या उन पुंसियों से निकला हुआ जो स्राव है वो बहुत ज्यादा शरीर में जलन वलन करता है, कई कभी फफोले वगैरह भी इस टाइप से हो जाता है, लाल चकत्ते पड़ना, इस टाइप कंडीशन स्किन डिजीज में देखने को मिल सकती है। और क्या मिलेगा, पित्त प्रकृति में आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, जहां जलन है, तलवों में जलन है, तलवों में छाती में जलन है, शरीर में जलन, जहाँ कहीं भी जलन वाला पार्ट आ जाएगा तो आप समझेंगे पित्त के लक्षण है, और जहाँ पर दर्द वाला पार्ट आ जाएगा और वहां पर समझेंगे तो वात के लक्षण है, और जहाँ पर जलन भी नहीं है और दर्द वाला पार्ट भी नहीं है वहां पर कफ के लक्षण देखने को मिलेंगे। आज जहाँ राउंड 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 मोटापा शरीर, मोटा शरीर, भारी शरीर, आंखें, नाक, कान जो भी देखेंगे शरीर में सब चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, पेट भी देख सकते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिल सकती है। तो मोटापा, अत्यधिक मोटापा, कम खाने पर भी ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, ये भारीपन पेट में, ये सब वात की वजह से हो जाता है, और कफ की वजह से ये जो भारीपन होता है उसमें एसिडिटी जो होती है उसमें थोड़ा सा इस टाइप की रहेगी कि उसमें थोड़ा खट्टा पानी या इस टाइप की एसिडिटी होगी, और उसमें कुछ न कुछ ऐसा ही क्रम मिलेगा जिसमें जलन कम है, एसिडिटी तो है लेकिन खट्टा पानी मुंह में आना, ये सब कफ की वजह से एसिडिटी में देखने को मिलेगा। और यदि शरीर में जलन हो रही है तो फिर यहाँ स्टेनम में जलन होती है, पेन होती है, यहाँ से फूड पाइप में जलन हो रही है तो आप समझिएगा कि ये पित्त की वजह से, पित्त की बढ़ने की वजह से एसिडिटी है। तो इस तरह से लक्षण हम देख सकते हैं इनके, और वात के अंदर देखेंगे तो वात में इस टाइप के लक्षण मिलेंगे कि जब भी शरीर में ड्राइनेस होगी, स्किन में, स्किन डिजीज में, तो कोई फोड़े फुंसी ऐसी कोई चीजें हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें सूखते हैं और वो सूख करके खुद अपने आप झड़ जाते हैं, ब्लैक हेड्स यानी काले धब्बे छोड़ जाते हैं, जहाँ यहाँ काले धब्बे ये सब देखने को मिलेंगे, जहाँ ब्लैक हेड्स का बारी आ जाएगी वहां पर आपको ये कब देखने को मिल सकती है, वात देखने को मिलेगा, और जहाँ पर रेड कलर के वहां पर पित्त देखने को मिल सकता है, और कफ जो है उसमें दूध की तरह, फटे दूध की तरह जो है स्किन में लक्षण दिख सकते हैं, चाहे वो सोराइसिस हो या अन्य कोई बीमारी, यदि स्किन से जुड़ी हुई सफेद दाग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों की चर्चा की मैंने, खान पान के रिलेटेड चर्चा की कि क्या ऐसे लोग जो है खाना वाना खाएं कि उनको अपने लक्षणों से मुक्ति मिल जाए, यानी वात बढ़ा हुआ है तो आपको स्नेहन चिकने वाले पदार्थ खाने हैं, उसमें वात बढ़ा हुआ है तो आपको पहले वाले जो तीन रस हैं, छह रस हैं, रस पहला रस क्या है, मधुर रस है, दूसरा अम्ल है, फिर तीसरा नमकीन यानी लवण है, तीसरा चौथा जो है तिक्त यानी तीखा काली मिर्च जैसा स्वाद जो आता है वो, फिर उसके बाद में कटु, कटु का यानी कटु का मतलब थोड़ा तीखा, राइट, आयुर्वेद में उल्टा है, और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। तो करेला ये सब परवल वगैरह ये सारे इसमें कड़वे वाले में आ जाते हैं, नीम करेला इस टाइप के स्वाद जो है देखने को मिल सकता है।
कटु तिक्त का शायद जो तीन स्वाद हैं, ये आप जब भी खाएंगे तो ये आपके वात की वृद्धि कर सकते हैं। तो जब भी बॉडी में दर्द हो तो कड़वी चीजें नहीं खाना, और क्या नहीं खाना, नमकीन खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन नमकीन का मतलब पेट साफ रहना भी जरूरी है, ऐसी नमकीन नहीं जो बेसन वाली हो, ऐसे ज्यादा खाएंगे तो पेट में गैस बनेगी तो और ज्यादा दर्द होगा। दर्द उसी को हो सकता है जिसके पेट में गैस है, जिसके पेट में तकलीफ है, कुछ तो कुछ बाधाएं चल रही हैं, राइट। तो ये सारा क्रम जो है देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जलन वाला जो पोर्शन है जितना भी है वो सारा का सारा पित्त में आ जाएगा, और ब्लैक हेड्स का जितना भी है वो सब के सब, या स्किन में ड्राइनेस होगा जितना, सब का सब किसमें आएगा, वात में आ जाएगा। और पित्त का वात का हो गया, और फटे दूध की तरह स्किन पे कोई लक्षण दिख रहे हैं, या ऑयली स्किन है ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल निकल रहा, बार बार चेहरा धोना पड़ता है ऐसे लोगों को, ये सब के सब कफ के दृष्टिकोण में देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो है कफ के लोग काम बड़े स्लो स्लो करते हैं, कुछ लोग उनको मंद बुद्धि का बोलते हैं क्योंकि एक बार दिमाग में घुसती नहीं है बात कहने से, है हाँ ऐसा कुछ चलता रहता है, और वो बताते भी कम है, लेकिन उनके साथ में वात की वृद्धि है, और वात और कफ की दृष्टि है इन दोनों की, तब फिर वो ऐसा आदमी है हाँ के करने के साथ साथ बोलेगा भी ज्यादा। बीच बीच में आप जैसे ही कुछ भी चैप्टर शुरू कर दोगे, क्या गुरु जी, अच्छा ये कैसा है, ना ये ऐसा है, अच्छा फिर से बताइए, एक बार रिपीट करिए, फिर से लिखवा दीजिए, ये सारे काम जो हैं ये वात और कफ वाले आपको देखने को मिलेंगे। ये सब पढ़ते हुए अपनी क्लास में, अपन ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पर बैठे बैठे देखते रह सकते हैं, राइट। तो अपने में से ही हम छाट सकते हैं कि कौन कौन किस किस टाइप का प्राणी है। अब ये प्रैक्टिस का विषय है, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अपने परिवार में कितने इस टाइप के लोग हैं इनको भी देख सकते हैं, अपने मित्र मंडली में कितने लोग हैं वो लोगों को देख सकते हैं, और आजू बाजू पास पड़ोस में भी हम इस तरह की वृत्तियों को पहचान करके देख करके हम सीख सकते हैं कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, इससे किस तरह से पेश आना चाहिए। तो आयुर्वेद में लिखा है कि वात वाले को इमोशन ज्यादा पसंद है, आप इमोशनल तरीके से जो कुछ भी आप उसे चाहो जो करा लो, और पित्त वाले से मित्रवत जो भी चाहो आप करा लो। ऐसे ही चिकित्सा के बारे में कहा है, वात की जब वृद्धि होती है तो ऐसे व्यक्ति को इमोशन द्वारा चिकित्सा दी जानी चाहिए, और पित्त वाला व्यक्ति है तो उसको चिकित्सा देनी है तो उसको मित्रवत देनी चाहिए। अरे यार थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा गोली है खा लो, ऐसा करिए। वात वाले को इमोशन, देखो बहुत बढ़िया चीज है ये गोली, बहुत अच्छी है, देखो अपन इस तरह से खाते हैं, मैंने ये मुंह में रखा और गई अंदर, बस अब ठीक हो रहे हैं बस, और क्या थोड़ी देर में हो जाएंगे, छोटे बच्चे को बहलाते हैं ना बस ऐसे। घर में आपको अपने घर के अंदर दादा दादी बुजुर्ग मिलेंगे जिनको आप इमोशन के साथ में पेश आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, वो गाली वो कहें कुछ भी करें अपशब्द कहें, ये सब चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है, क्योंकि तो वात में ये अभी आजकल हो ही रहा है, हर घर घर की कहानी है, लोग यही कंप्लेन लेकर आते हैं, हमारी दादाजी हमारी दादी जी हमारी नानी जी इस तरह का व्यवहार करते हैं, राइट। तो ये सारे क्रम देखने को मिल सकते हैं, वो उनके कमरों में आप जाओगे तो ये भी कह सकते हैं मेरी चीज फला चीज उठा ले गए आप, आपने ऐसा कर दिया। हाँ ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वहां चलता है, अवॉइड इट, इस टाइप के क्रम को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति के वाले के साथ में अवॉइड नहीं कर सकते आप, और कफ वाले के साथ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्रम आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। हर बार जब भी मेरा लेक्चर होता है तो
उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें जुड़ जाती हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और यूं ही क्रम अनवरत जारी रहेगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि हम सीधे सवालों पर चर्चा कर सकें। यस सर। सर अभी आपने जो बताया ना कि अवॉइड करने वाली बात, हाँ जी, वो किस चीज का अवॉइड, मतलब हम क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि ये पित्त वालों के साथ हम अवॉइड नहीं कर सकते और कफ वालों के साथ तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो कौन सा, वो जो क्रम वाली क्या चीज? हाँ देखिए, वो क्रम जो है, अब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बड़बड़ाने की आदत है, कुछ भी बोलते रहते हैं, अनशन, गाली गलौज भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, वो सबको अवॉइड आप कर सकते हो तो आपका घर परिवार भी अच्छे से चलता रहेगा। उनको आप अवॉइड कर सकते हो, उनकी बात को भी आप कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो, लेकिन पित्त वाले के साथ में अवॉइड इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साथ में मित्रवत व्यवहार चाहता है। अब मित्र के बीच में, दूसरे मित्र के साथ में आप अवॉइडेशन का काम करेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए इनको अवॉइड नहीं कर सकते। वो घर बना कर रख लेता है छोटी सी बात को अंदर डब्बे में बंद। सर, लेकिन नहीं क्लियर हुई यहाँ पर, लेकिन ज्यादा देर तक बता रहा हूँ थोड़ी, तो ज्यादा देर तक वो इतना ज्यादा उठा के दिल में रखे संभाल के नहीं रखता, लेकिन कफ वाला तो बहुत आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा सा अच्छा सा संभाल के रखेगा, आपकी बुराई को पहले और अच्छाई को भी पहले, लेकिन अच्छाई को ज्यादा, क्योंकि भगवान को, ईश्वर को समर्पित भाव से वो व्यक्ति चाहता है, जानता है, दूसरे में भी वही भाव देखता है, इसलिए क्षमाशील होता है, तो आपको कई मर्तबा बहुत बार क्षमा करता है, लेकिन हर बार आप उसको अवॉइड करते रहोगे, फिर वो अंदर एक बार लेके बैठ गया ना, तो वो एक क्षमा बिल्कुल नहीं करता। लेकिन पित्त वाला जो है, पानी के बुलबुले के तेरे गुस्सा आता है, जो भी बड़बड़ा रहा हल्ला गुल्ला कर करा के खत्म करता है, लेकिन साथ में कार्रवाई भी करता है, ये याद रखना। लेकिन बात वाला व्यक्ति केवल अल्लाह गुल्ला करके, कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो गरजने वाले तो बात वाले हैं, और जो गरजे भी बरसे भी तो फिर वो पित्त वाले हैं। कभी कभी पित्त वाले बरसते नहीं है, वो खाली कह के भूल जाते हैं और भूल नहीं जाते, उनका ये है, उनको सब याद रहता है, लेकिन वो समय आने पर उनको याद आ जाता है। अभी आपको थोड़ी देर बाद में नॉर्मल दिखाई देंगे, अभी गुस्सा कर करा के खत्म, लेकिन बात वाले में, बात वाले को गुस्सा अभी करेगा, अभी लड़ाई भी करेगा, कल आकर के हाय हेलो नमस्कार वो भी कर लेगा, उसको पता ही नहीं है, थोड़ी देर बाद में भूल जाएगा, क्योंकि मेमोरी बड़ी शॉर्ट है उसकी। दूसरी बात, उसका सर्कल बड़ा होता है, हर एक से दोस्ती बना लेता फटाक से, जो पहली बार मिल जाए उससे दोस्ती बनाने में आए, लेकिन पित्त वाला व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है खुलने में, कफ वाले को तो और ज्यादा खुलने में समय लगता है, तो तीनों में यही फर्क है। जैसे बच्चा है, अपन किसी के घर जाते हैं, हमसे एक बार में थोड़ी आके खेल कूद करने लग जाता है। हाँ, अभी आजकल के कुछ बच्चे हैं जो एकदम दिखने में आपको पतले दुबले दिखते होंगे, स्किन में ड्राइनेस होगी, ऐसे बच्चे आपके साथ तुरंत आके खेलने लग जाते हैं, गुल मिल भी जाते हैं, ये सब बात वाले हैं। और पित्त वाले, कफ वाले तो ऐसे ही देखते रहेंगे, घूर करके देखते रहेंगे, वो पता नहीं क्या, जैसे हम कोई पिंजरे के प्राणी हैं, और क्या, ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे कफ वाले, बहुत देर तक तो कई बार ऐसे बच्चे पहचानते भी नहीं है, अच्छा ये कौन है, शुरुआती अवस्था में कई बार ऐसा होता है। हाँ, दो चार बार उनकी मेमोरी में ये आ गया, दो चार बार आप मिल लेते हैं, और फिर जो बच्चा पहचानेगा तो जीवन भर आपको भूलेगा नहीं, आपके बाल सफेद हो जाएंगे,
तब भी वो पहचान लेगा ये कब की बच्चों की विशेषता। जैसे आपने दादा दादी वाली बात बताई ना, तो उसमें ये मतलब जैसे उनकी आदत होती, तो जैसे मेरे दादा दादी है, तो मेरी अगर मैं पित्त वाली हूँ तो मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये मतलब हुआ ना, ये चीज क्लियर नहीं हो रही। या दादा दादी पित्त प्रकृति, मतलब मैं पित्त प्रकृति हुई तब ना मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगी। देखो दादा दादी से बात करोगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को और तुम्हारे को मैंने पैदा किया है या तुमने मुझे पैदा किया, पहले ये बताओ, राइट? ये कहेंगे ना। तो उस सब से बचने के लिए आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो ना। और कोई है ऑप्शन आपके पास? नो। दादाजी को बदल सकते हैं क्या? चलो पड़ोस वाले दादाजी को 2 दिन के लिए हमारे यहाँ ले आते हैं, इनको वहां छोड़ आते हैं, बदल सकते हैं? नहीं बदल। अवॉइड इट, डोंट वरी, होता है उनके साथ, उनकी अवस्था ही ऐसी है। मींस जो अवॉइड नहीं कर पाता वो पित्त प्रकृति का है। हाँ, जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो है उससे उसको वो तो पेट्रोल बम है और थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है उसको, तो पटने में देर नहीं लगती। राइट। तो अब ऐसे या तो आबेल मुझे मार करना हो तो आप भले ही भिड़ो पेट्रोल पंप में, लगाओ सुर्री और देखो तमाशा क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे लोगों के मजे भी लेते हैं कि चलो बम फटेगा, फिर सुतली बम फटेगा, फिर पता नहीं कौन सा वाला फटेगा, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, कुछ लोग ये देखते हैं रार से बार भली, रार से बाढ़ भली, रार मतलब झगड़ा, बाढ़ का मतलब बाढ़ बांध, आप होती है पता ही है, अपन बाढ़ बांध देते हैं, रार से बाढ़ भली, मित्रवत आप उसे। जी बोलिए। ये जो आप बता रहे हैं ना ये पित्त प्रकृति, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वात वाली प्रकृति वाले लोग भी अवॉइड नहीं, मतलब जो ये वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं ऑन एंड जो टॉप आपने बताया था कि वो लोग इमोशनल भी होते हैं, मुझे कुछ फील आ रहा है कि हाँ ये ऐसा लोगों को पहचानने से होते हैं कि इमोशनल होते हैं और बिल्कुल तो, होते हैं इमोशनल, वो आपसे ये चाहते हैं कि यार मेरे पास बैठे मूड फोरी करे, कुछ लोग बोलते हैं मूड फोरी, मतलब मूड फोरी बोलते ना हमारे से बातचीत करे, मतलब वो अपने जमाने की बात करेंगे, मैं 125 किलो अनार लाता था अब मिलते हैं क्या, जैसे हमारे पिताजी बच्चों का हमारे बच्चों को बोल देते ना 125 किलो अनार मिलता है, जाओ लेके आओ लो 125 रुपया, बच्चा बेचारा कभी मेरे को देखे उसको देखे कि पापा गाड़ी स्टार्ट करके कहाँ जाओ ये बताओ, पहले 125 रुपये में कहाँ मिलता है पहले तो ये बताओ। तो ये सारी चीज सर एक और एग्जांपल दीजिए, ये अवॉइड वाली चीज मुझे भी बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं घुस रही है, मतलब घुसती है बट तीनों प्रकृति वाला, जैसे अभी आपने बात का क्लियर कर लिया कि वो अवॉइड करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है, बट हम वो अवॉइड नहीं कर पाते तो वो वात प्रकृति, ये कफ पित्त प्रकृति वाला होता है और वात प्रकृति वाला। वात में क्या है, आप अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, झगड़ा फसाद होगा, थोड़ी देर आप चुप हो जाओ, शांति रहो, अपने आप वो भूल जाएंगे, उनकी मेमोरी इतनी है खत्म, भूल जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपके साथ वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, लेकिन अंदर घर करके रखता है और वो याद रखेगा तो फिर पित्त प्रकृति में और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक से वो आदमी चाहता है पित्त प्रकृति वाले से क्षमा प्रार्थना करे, उससे कोई याचना करे, जैसा मैं कहता हूं वैसा करे, ये उसके लक्षण है, राजसिक गुण है ना उसमें, राजसिक गुण है, राजसिक गुण होने के कारण वो चाहता है कि बस वो
सब मेरे से हार माने, मेरे जूते के नीचे सब रहे, है ना। ये सारी आसान शब्दों में समझना हो तो ये ऐसे शब्द अपन देख सकते हैं इनके लिए। अब कफ वाला तो उसको तो आप कुछ कह भी देते हो तो एक हल्की सी मुस्कान दे करके आपकी बात को आई गई कर जाता है ना। इसका मतलब वो आपको क्षमा कर रहा है, लेकिन पित्त वाला इसको क्षमा नहीं करता, वो पकड़ के बैठ जाता बात को। क्या आपने मेरे को ऐसा कैसे कहा, बोलो सॉरी, पहले बुलवाएगा सबसे पहले। लेकिन कफ वालों के साथ में ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता, वो कई बार क्षमाशील होते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, हे भगवान आपने जो अच्छा दिया है, तो जो होगा सो अच्छा है, हुआ है सो अच्छा है, होगा सो अच्छा होगा, ये सारा क्रम उनके दिमाग में रहता है। और कुछ अच्छा हो गया उनसे तो बोलेंगे क्या, नहीं ये तो सब ईश्वर की कृपा है, उन्होंने किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। शायद ऐसी कृपा ईश्वर हम पर और करता रहे, इस टाइप की वार्तालाप उनसे सुनने को मिलेंगे आप, कि हम मिल करके कुछ नया काम कर सकें, ईश्वर ने हमें जोड़ दिया है जैसे आपको हमको जोड़ दिया है। अरे ईश्वर हमसे कोई नया काम लेना चाहता है शायद। जी सर, ये वाली बात। सर मुझे एक और बात पूछनी है, जो ये स्किन डिसीज होती है जो आपने बताया ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और ये, तो वो सारे मतलब वो होता ही बात प्रकृति की वजह से या कोई और प्रकृति, मींस अगर किसी को कुछ है तो वो बात प्रकृति ही होगी, मींस बात बढ़ जाने के कारण, जरूरी नहीं कि बात प्रकृति ही हो उनकी, वहां तो बढ़ जाएगा शरीर में, तो ऐसी घटनाएं क्रम शरीर के साथ में देखने को मिलेंगे। और यदि किसी की प्रकृति है तो उसका चेहरा डार्क कॉम्प्लेक्स में रहता है, थोड़ा गहरा कलर का, जरूरी नहीं है कि वो डार्क ही हो बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे कि नॉर्थ इंडिया में गए थे हम तो वहां तो एकदम ड्राई स्किन वाला भी मिला था और एकदम बंदा, तो वो तो गोरा था उस जगह। हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें बदलती है। अब साउथ में चले जाओगे कहते हैं कि कफ प्रकृति का व्यक्ति गोरा रहता है, तो नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएंगे, कश्मीर में मिल जाएंगे गोरे गोरे लोग, लेकिन अब आपका मद्रास में केरल में जाके ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेंगे, चाहे वो कफ प्रकृति के हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव संभव है। ठीक सर। सर एक मैं अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे आपने स्किन वाली बात बोली ना, तो मुझे यही प्रॉब्लम थोड़ी है मेरे स्किन पर, बट क्या है, सब कहते हैं कि मेरे को धूप से प्रॉब्लम है, मतलब सूर्य देवता से। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे हैंड्स में थोड़े थोड़े मेरे फेस पर भी है सर, तो ये सब यही कहते हैं कि बचपन में जैसे वो एक तरीके से ब्लैक हेड्स बोल दीजिए या सनबर्न्स बोल दीजिए, तो वो अपना धब्बा वही ब्लैक छोड़ गए हैं, कहने का मतलब। तो अभी जब आप अपना एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा दिनचर्या आयुर्वेद के हिसाब से हमारी कैसे होनी चाहिए, फिर आएगा ऋतुचर्या में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कब कब कौन कौन से बढ़ते हैं और बढ़ने के कारण क्या होते हैं, है ना, कौन सी चीज कब बढ़ जाएगी और कौन कब घट जाएगा, और घट जाए तो क्या करना, बढ़ जाए तो क्या करना, ये सारे क्रम से अभी ये सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं। जी सर। और किसी का कोई सवाल आज तो? सर एक और क्वेश्चन, आपने अभी ये भी बताया कि ना बात जो अंग मतलब जो ये ऑर्गन्स होते हैं वो श्रिंक जो जैसे होते हैं, तो वो भी बात प्रकृति में ही आपने बताया, तो मींस जब ये बात बढ़ता है तो हमारे कोई भी जो हमारा इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं तो उनमें कोई भी जैसे
बहुत से, किसी का कुछ किसी की हार्ट प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी की लंग्स प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो मतलब उनमें वात बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से वो मतलब उनके श्रृंक होते हैं। हाँ देखिए, वात की वृद्धि या घटने के असमान वृद्धि या असमान घटोत्री, जिस एरिया में पर्टिकुलर में राइट में बढ़ गया है तो वो वहां पर श्रिंकनेस देखने को, क्योंकि एयर का दबाव पड़ेगा वो श्रिंकनेस देखने को मिलेगी, और दूसरी जगह अपने आप कम हो जाएगा, लेफ्ट में कम हो गया तो लेफ्ट वाला एरिया ऐसा फैला हुआ दिखाई देगा। ये दबाव है, एयर का दबाव पड़ता है ना पेट के अंदर, आप देखते उसी से तो पेट में दर्द होता है, गोला उठता है, गुल में जिसको बोलते हैं, बस वही कहानी यहाँ पर होती है। बॉडी में श्रिंकनेस तभी आती है जब हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है। ऐसे ही पीसीओडी हो जाता है, वो भी इसी कारण होता है, क्योंकि तो वात की वृद्धि हो गई है, मेंसेस पीरियड का डिले होना, जैसे 30 दिन हो गया, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन हो गया, ऐसा 45 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, ऐसा जितना डिले होगा उतना ही वात बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे समझे। और वात घट रहा है, घट रहा है, और क्या बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, तो फिर क्या हुआ, मेंसेस पीरियड का ड्यूरेशन भी ये घट गया, घट गया, घट गया, ऐसे ये डिफरेंस आएगा। ऐसे पीसीओडी या रोग उसके अंदर जो भी होंगे, वो उसमें कोई गांठें वगैरह होंगी, और गांठें क्यों होंगी, पहले तो कफ बड़ा होगा वहां पर, कफ की लेयर वहां पर बनी होगी, और फिर वहां जाकर के ये जो वात की वृद्धि हुई है जिसके कारण अपान वायु हमारी खराब हुई है, अपान वायु खराब होने के कारण वहां पे ड्राइनेस पैदा शुरू हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, फिर वो गांठ बन जाती है। जी बस सर, यही कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कैंसर हो या टीबी की गांठें हो, उन सबका कंसेप्ट ही। टीबी क्यों हो रहा है, टीबी में डॉक्टर कहते हैं गर्म तासीर वाली चीजें खाओ, क्यों कहते हैं गर्म तासीर, ये शब्द कहाँ से आया, गर्म तासीर क्यों बोला भाई, गर्म तासीर, गर्म तासीर इसलिए बोला क्योंकि टी गांठ का मतलब कफ से है, कफ एक जगह इकट्ठा हो गया और वहां पे सूख गया, गीला है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, वहां गांठ तो है लेकिन उसके आसपास फिर वो गीलापन भी होगा तो इन्फेक्शन होगा, क्लेयर भरा होगा, वहां ऐसा हो रहा है तो वहां पित्त की वृद्धि हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है तो कफ और पित्त की बीमारी हो गई। लेकिन वहां और गांठ सूख करके है, टाइट होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, तो समझ जाओ वहां वात और कफ की वृद्धि हुई है, पित्त की नहीं हुई, तो पित्त को बढ़ा दोगे वात और कफ खत्म हो जाएगा, वेरी सिंपल, बस इतना ही विज्ञान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और उसके लिए अपन चाहो तो कि मेलेगनाइन है कि नहीं, ये कराओ वो कराओ, इसके सारे टेस्ट कराओ, कराते रहो, फिर बहुत सारे टेस्ट ला, दुनिया भर की लिस्ट है, फिर तो कराए जाओ, जिसके पास है वो कराए, हम फकीरों के पास क्या है। सर, आजकल तो ये जो बीमारी है, नाम लेने से ही थोड़ा लगता है, तो इसमें तो ये मतलब जैसे मैंने पढ़ा है कि सेल जो होती है अपने बॉडी में, जो सेल्स बनते रहते हैं, कोशिका, कोशिका बोलते हैं ना उसे हिंदी में, तो वो उसके बिगड़ने से मतलब वो जो खराब सेल बन जाती है उससे हो जाता है ये कैंसर। कैंसर का मैंने आर्टिकल भेज तो दिया आपके उस ग्रुप में, पढ़ा होगा मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पाई, सॉरी सर, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, पढ़ूंगी सर फिर उसको पूरा। कैंसर क्या होता है, बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में उसमें उस आर्टिकल में समझाया हुआ, क्योंकि कई बार हमको ये अखबार वाले आ जाते हैं, आर्टिकल मांगते हैं, कोई लिख दो, लिख दिया, अब लिख दिया तो वो तो ले गए अपना, आप कहीं तो उसको शिफ्ट कर देते हैं, ग्रुप में डाल दो, ये बढ़िया किसी के काम आएगा। जी अब सर, नेक्स्ट वो एपिसोड चला रहे हैं, स्टेज 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, बात का विषय है, फिर शेष अगला भाग आगे, ऐसे एपिसोड चलते रहते हैं।
किसी का कोई सवाल या प्रश्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं पूछने पे आ जाता हूँ। थोड़ी सी धड़कन बढ़ा दीजिए सबकी। नहीं, जो भी आपने बातें बताई वो काफी ज्ञानवर्धक बताई हैं, बट ना ही आपने 100% दिया है, लेकिन हमारे माइंड में वो आई थिंक 10% या 20% ही आया होगा। सो इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सारी बातें आपकी समझ में आ गई हैं, और ये कहना भी अच्छा गलत होगा कि हम ये बोलें कि हमारे हमारे माइंड में सारी चीजें वो आ चुकी हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम उसको अगर रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, और चीजों में इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वो हमारे रूटीन में आएंगी एंड हम उसको फॉलो भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आकाशवाणी से? कोई दिखाई दे नहीं रहा है, डिसअपीयर। सॉरी सॉरी, वो मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी। जी नमस्कार हाँ नमस्कार जी, प्रणाम। तुमने कही जी। आकाशवाणी से खबरें सुनी है? फिर नहीं नहीं वो पहले सॉरी, सुनते हैं क्या? राइट मैंने वीडियो नहीं देखी थी। राइट, चलिए कोई बात नहीं। और कुछ, किसी का कोई सवाल ववाल रहता है ऐसे तो भाई बोल दो, फिर मेरा नंबर कब आएगा? मैं एक चीज पूछना चाह रहे थे आपको। जैसे लेडीज में ये, जैसे आपने बताया था कि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है एंड ये मेन इशू इसी से होता है, तो इसको ठीक करने के लिए जैसे आपने बताया गलत खान पान भी हो जाता है और भी बहुत सी चीजें हैं इसके लिए, तो अगर हम उसको सीधे और सरल शब्दों में समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, जो हमें जल्दी से अभी जल्दी रिजल्ट भी मिले अभी और मैंने उसका बताया भी बेनिफिट भी था, हो। जी अभी मैंने बताया था कि हम ऋतुचर्या और जी जी दिनचर्या का अध्याय पढ़ने वाले हैं, है ना? उसमें ये सारी चीजें आएंगी कि कौन सी बीमारी में क्या खाना है, क्या छोड़ना है, और ये होता क्यों है, ये सब बीमारियां होती क्यों है। जैसे हमने छींक छींक आ रही किसी को, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये रुमाल रख दिया यहाँ ऐसा। जी अब इसको करने से कौन सी बीमारी आ रही है, ये हम बताएंगे। एक जी उसमें अध्याय है कि तेरा अधारणी वेग है, महर्षि वाग्भट ने इसमें बताया है। तो ये अधारणी वेगों के क्रम में चले हैं, तो कौन सा वेग को अपन धारण करेंगे, जब कौन सी बीमारियां आएंगी और उनका समाधान कैसे होना है, इस पर भी हम इसमें आगे बढ़ के चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आगे का विषय है। तो बेहतर ये, क्योंकि इसका ग्राउंड भी क्लियरेंस होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होगा तो सब चीजें सब फिर वो चीटिंग है, बेईमानी है, काम जी जी सही बात। अच्छे से काम नहीं हो रहा, ऐसे समझो। नहीं मतलब किसी को कह दो रट तोते की तरह रटा दो, ये कर लो वो कर लो, तो क्यों कर लें? हेलो हवा, ये तो फिर तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग खड़े होकर कह रहे हैं ना, पानी पियो जी सुबह के 5 गिलास 10 गिलास। अरे भाई क्यों पी ले? वो कहते आयुर्वेद में लिखा है। हमने कहा बताओ कहाँ लिखा है जी जी सही बात। ना? ऐसे मिथ्या प्रचार जो है बहुत सारे हो रहे हैं, हाँ हमको ऐसी चीजों से बचना है और ठीक से उनको आगे क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उसको आगे लाना है। जी उसके कारण क्या है, जब तक कारण नहीं पता लगेंगे तो निवारण बिल्कुल नहीं होने वाला। जी बिल्कुल सही बात। तो थोड़ा पेशेंस के साथ और बैठना पड़ेगा, ये सब चीजें समझ में आ गई यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब पितृवाद प्रकृति जानना है, इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होगा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, सब इसी पर बेस है। कौन दवाई कैसे बनाई जाएगी वो भी इससे, इसके अनुपान क्या होंगे, अनुपान क्या होता है पता है? अनुपान वो होता है जिसको जिसके साथ कोई दवा ली जाती है। अनुपान यानी अनु यानी फॉलो करना, अनुसरण करना, अनु यानी अनुसरण करना, पान जी यानी फॉलो करना,
करना जिसका ऐसा पीने की कोई चीज हो जिसके साथ दवा को यूज करना जी, ये अनुपान का विषय हो गया। तो अनुपान के विषय भी होंगे। कहाँ से आ रही है आवाज? आप भी पीछे से गए? हाँ वो मैं वही आश्रम में हूँ ना, इसलिए आज ही मैंने ज्वाइन किया है। कहाँ पे? यहाँ गुरुजी के यहाँ, कमले जी के पास। कल तो वही थे रात को। अच्छा, आप दोनों बाइक से जा रहे हैं? आज सुबह ही मैं यहाँ आए थे। मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ, यूपी से। नहीं है, घर में नहीं है, बोल रही। कल पहला हम वहीं थे और फिर आज घर आ गए जयपुर। अच्छा, बता रहे थे, एक्चुअली मुझे आना कल ही था, लेकिन वो कल पूर्णमासी थी और ब्रज घाट पे सारा जाम लगा हुआ था, तो इस वजह से कोई बस भी नहीं थी, तो कल का मेरा प्लान कैंसिल हो गया था इस वजह से। कोई बात नहीं, बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यशी रस्तोगी है। यशी? जी। अच्छा, यश, यश को यशी कर दिया जी, है ना जी। शब्द भी तो कुछ बोलते हैं ना। सही बात। चलिए बढ़िया, ठीक है, करिए आप लोग अपनी सेवाएं दीजिए जी। और पहले पारंगत होना जरूरी है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी। हाँ, बस इसीलिए उनके मार्गदर्शन में आए हैं, ताकि हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ सीख लें, कुछ इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सके आगे चलकर। ठीक है, करिए जी। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। ठीक, और किसी का कोई विषय है जो करने लायक हो, जिसको हम उठा सकते हैं? नहीं तो फिर हम इसका समापन करते हैं क्लास का। ललित जी, कुछ बात पूछना है आपको? प्रणाम सर। नहीं सर, अभी तो कोई क्लियर हो गया जी। प्रणाम, कोई बात नहीं। चलिए फिर अपन परसों कुछ नया विषय शुरू करेंगे, दिनचर्या। ठीक है, और कोई सवाल फिर भी शेष रहते हैं तो आप मेरे को पहले से आप बता दीजिएगा, हम लोग उसको कर लेंगे, करें समापन। चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर, थैंक यू।